सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सतबरबा केंद्रीय मेडिकल गैस प्रणाली का उद्घाटन शनिवार को पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने फीता काटकर किया। इस ऑक्सीजन प्लांट में 8000 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटा तैयार किया जाएगा, जिसे 15 बेड में डायरेक्ट सप्लाई किया गया है, जिसमें 10 बेड आईसीयू और 5 बेड लेबर रूम और एनआईसीयू के लिए है। इस मौके पर उपायुक्त पलामू ने नवजीवन अस्पताल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना काल के प्रथम और दूसरी लहर में जिस प्रकार से इस अस्पताल ने इससे निपटने में अपनी तत्परता दिखाई है, वो सराहनीय है। अब इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन का सीधे मरीजों तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल मेदिनी नगर हुसैनाबाद में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा चुका है, जबकि लेस्लीगंज और पाकी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। पलामू में वैक्सीनेशन का पहला डोज 65% और दूसरा डोज 39% ही लगा है। अन्य जगहों के मुकाबले हम लोग पिछड़ रहे हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से हमें जल्दी से 100% तक पहुंचना है, ताकि हम कोरोना के तीसरी लहर से निपट सकें। उपाय पलामू शशि रंजन ने आईसीयू ऑपरेशन थिएटर labor.nic.in निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान उन्होंने कहा कि अति उत्तम है, आगे से तरफ से बढ़ते रहें। आज एक ऐतिहासिक दिन है, जो कि सतबरबा प्रखंड के पूरे ग्रामीण जनता को सुविधा होगी, वहीं आसान सरल भी होगा केंद्रीय ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने से। तो बहुत ऐतिहासिक यहाँ के लिए, सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे आज नवजीवन हॉस्पिटल तुम्बागढ़ा में ऑक्सीजन प्लांट का स्थापन हुआ, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, लोगों को यहाँ जो मरीज आते हैं काफ़ी बेहतर इनको चिकित्सा सुविधा मिलती है, और ख़ासकर शुरुआत के दिनों में कोविड मरीजों के लिए यही जिले का मुख्य अस्पताल घोषित हुआ था, और काफ़ी अच्छे से यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स ने इसको हैंडल किया। उसी कड़ी में आज ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट हो गया है, लोगों को सुविधाएँ मिलेगी, खासकर इस क्षेत्र के लोगों को जो कोविड पेशेंट अगर रहेंगे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ऐसे गंभीर मरीज रहेंगे इनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करके रखा है, और यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स जो काफ़ी उत्साहित हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मेरी तरफ से इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।